हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। नेवी चिल्ड्रन स्कूल से शिक्षक भर्ती का एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है, जिसमें परमानेंट पोस्ट पर भी जो है वैकेंसी आई है, साथ में जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी कुछ वैकेंसी है। PGT की, TGT की, एज की यदि हम बात करें, चाहे PGT में आप अप्लाई करना चाहें या TGT में, 21 से लेकर 50 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। CTET या TET के बिना भी जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। सभी राज्यों के कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे स्कूल की, और यहाँ पर आप लोगों को अलग से ही जो है नोटिफिकेशन, उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन, हर पोस्ट वाइज टर्म एंड कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट, पे स्केल क्या रहेगी हर पोस्ट की अलग अलग, कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म, तो सभी जो है आप लोगों को अलग अलग डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं पे स्केल। पे स्केल की अगर हम बात करें, PGT के टीचर्स की जो यहाँ पर बेसिक पे 54,060, DA अगर ऐड करते हैं 10,823 और CCA 450, तो कुल जो है यहाँ पर सैलरी 65,333 सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। परमानेंट पोस्ट है ये। उसके बाद TGT में यदि सैलरी देखें 33,750, PRT में 28,750, KG यानी कि प्री प्राइमरी के लिए 21,250, स्टेट मैनेजर की 25,000, डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पर सैलरी 14,465 रहेगी। ठीक है, तो ये सैलरी है। तो अलग अलग जो है आप लोगों को PDF फाइल डाउनलोड करनी होगी, जैसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। पे स्केल हमने देख ली है, एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑल वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसीज है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज क्या मांगी गई है, उसे चेक कर लेते हैं। ये जो है विज्ञापन है, सबसे पहले विज्ञापन आप देख लें। रेगुलर अपॉइंटमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में फिजिक्स की वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट में TGT में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और साइंस की वैकेंसी। प्राइमरी टीचर्स में जनरल, म्यूजिक काउंसलर की, किंडरगार्टन टीचर की, स्टेट मैनेजर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की। उसके बाद एडहॉक अपॉइंटमेंट में स्पीच थेरेपिस्ट की भी वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन जो है PGT की पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री फिजिक्स में रेगुलर कोर्स आपने किया हो, रेगुलर पढ़ाई आपकी हो 60% मार्क्स के साथ में। बीएड आपका होना चाहिए, ये भी रेगुलर कहा गया है 50% मार्क्स के साथ में। और ट्वेल्थ में और ग्रेजुएशन लेवल पे आपने फिजिक्स पढ़ी होनी चाहिए। 21 से 50 वर्ष जो है इसमें उम्र है। तो सीटेट या जो एसटेट है कंपलसरी नहीं है, लेकिन वेटेज विल बी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड सीटेट एसटेट विद अ वैलिड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट। तो ऐसे कैंडिडेट को प्रेफरेंस जरूर मिलेगी, बाकी जो है कंपलसरी नहीं है, उसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट में TGT में आप देखें, TGT इंग्लिश के लिए BA या BSc डिग्री आपकी होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ में। हिंदी के लिए हिंदी में होनी चाहिए, संस्कृत के लिए संस्कृत में, और उसके बाद साइंस के लिए BSc डिग्री आपकी रेगुलर कोर्स 60% मार्क्स के साथ में साइंस में। साथ में BEd आपका 50% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। ट्वेल्थ में आपने ये सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हो जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे। उम्र सीमा यहाँ पर 21 से 50 वर्ष रखी गई है। इसमें भी जो है CTET या STET जो है वो कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपका क्वालिफाई है तो वेटेज आपका यहाँ पर इसका जरूर मिलेगा। प्राइमरी टीचर्स की जो वैकेंसी है, तो इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है 55% मार्क्स के साथ में। PRT म्यूजिक के लिए बैचलर डिग्री आपकी रेगुलर कोर्स म्यूजिक में होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। काउंसलर की वैकेंसी के लिए MA आपने साइकोलॉजी में की हो। जितनी भी पोस्ट हैं सभी के लिए आप रेगुलर कोर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने प्राइवेट किया है वो नहीं कर पाएंगे। और काउंसलर के लिए डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स काउंसलिंग में होना जरूरी है। इसके साथ में BEd भी जो है इसमें मांग रहे हैं।
पीआरटी टीचर के लिए भी जो है पीएड मांग रहे हैं। उम्र सीमा इसमें भी वही है, 21 से लेकर 50 वर्ष। किंडरगार्टन जो टीचर हैं उनके लिए बीएससी, बीए या बीकॉम डिग्री और डिप्लोमा, मॉन्टेसरी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग आपका है, आपने जो है बीएड नर्सरी में किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज वही है, 1 साल का जो है इसमें टीचिंग एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। बाकी किसी में भी जो अनुभव नहीं मांगा है, किंडरगार्टन टीचर के लिए अनुभव मांग रहे हैं केवल 1 साल का। स्टेट मैनेजर की जो वैकेंसी है इसमें बैचलर डिग्री, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी में भी आपने किया हो, और क्लैरिकल ड्यूटीज आपने जो है पहले कहीं काम किया है तो वो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश आपको आनी चाहिए, 5 साल का जो आपके पास अनुभव होना ज़रूरी है ऑफिस वर्क का, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, 21 से 50 वर्ष इसमें उम्र। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बैचलर डिग्री, ठीक है, और इंग्लिश इसमें भी जो है 5 साल का अनुभव, और यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, एमएस एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर पर काम करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट जो है एसएलटी की जो वैकेंसी है स्पीच थेरेपिस्ट की, तो इसमें बैचलर डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग साइंस या फिर इससे रिलेटेड फील्ड में अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से कोर्स किया है, इंग्लिश आपकी ज़रूरी है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है तो चलिए देख लेते हैं। 24 मई 2024, ये ध्यान में रखना है, 24 मई 2024 अप्लाई करने की डेट है। यहाँ तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को दिखा ही दिया है। तो सबसे पहले जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं इनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अनुभव है यदि, ठीक है, या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज अगर इसका आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो इन सब की जो है फोटो कॉपी लेनी है, उनके नीचे साइन करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में स्कूल ऑफिस में जाकर आपको सबमिट करानी है। ठीक है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट अलोन विल बी कॉन्टेक्टेड फॉर द रिटन टेस्ट एंड दोज क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट ओनली विल बी कॉन्टेक्टेड बाय फोन और ईमेल फॉर इंटरव्यू। पहले रिटन टेस्ट होगा जिन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करेंगे, उसके बाद जो है इंटरव्यू लिया जाएगा, ये आप लोगों को फोन या ईमेल के द्वारा मालूम होगा। एप्लीकेंट विलिंग टू अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट नीड टू फिल इन अ सेपरेट एप्लीकेशन। अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करने होंगे। शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट मस्ट सबमिट द एग्जामिनेशन फीस। आपको जो है रिटन टेस्ट के लिए जो है 100 रुपये फीस जो है आपको स्कूल ऑफिस में जब आपका रिटन टेस्ट होगा उसी दिन आपको सबमिट कराना होगा। फॉर एनी अदर क्लेरिफिकेशन कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल ऑन टेलीफोन। ये फ़ोन नंबर दिया है तो आप और भी कुछ पूछ सकते हैं, डिटेल में जो है मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। बाकी जो है आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डायरेक्ट आप इस पेज पर आएंगे और सारी चीज़ें दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी जो है नेवी चिल्ड्रन स्कूल विशाखापट्टनम के अंतर्गत, ये दो स्कूल हैं, नौसेना विंग प्लस डीएच विंग, और एक दूसरा ये स्कूल है 104 विंग एरिया। ठीक है, दोनों ही अलग अलग स्कूल है तो दोनों में ही वैकेंसी है, तो आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं विजिट टू द विंग इस पर जो है क्लिक करेंगे, या इस पर आप क्लिक करेंगे जिसमें भी आप अप्लाई करने के इच्छुक हैं। स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज आपके सामने होगा, इसमें सबसे नीचे चले आएं, यहाँ पर आप लोगों को देखेगा एनसीईआरटी के नीचे करियर सेक्शन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे देन ये पेज ओपन होगा। ठीक है, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आप लोग इस तरीके से आ सकते हैं, नहीं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, डायरेक्ट आपके सामने ये पेज होगा और आप जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लें। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें देख लें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।